ना पुत्र ना, चुप कर जा पुत्र। बस पुत्र बस बस, रोते नहीं पुत्र, रोते नहीं पुत्र। चेरी पुत्र, मैं मानती हूँ कि मेरे जीते ने तेरे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके बाद तेरा हक बनता है कि तू जो ठीक समझे वो कर। पर पुत्र, इस घर की थू थू आने से पहले मेरी एक बात सुन ले। तूने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। मैंने बुरा नहीं माना पुत्र। मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे दिल की हालत क्या है, पर पुत्र तू भी तो ये सोच ना, सोनी की असलियत तेरे मुंह से सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजर रही है मेरे दिल पर, जब से तेरे मुंह से सोनी के बारे में सुना है ना पुत्र, तेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। कि आपको सचमुच नहीं पता था मम्मी जी कि सोनी नहीं पता। अगर पता होता तो मैं इस सोनी को तेरी जिंदगी में आग लगाने नहीं देती। क्या मैं अपने आस्तीन में इस नागिन को पालती? हाँ, तुझे नहीं पता पुत्र मैंने इस कमीनी के वास्ते क्या क्या नहीं किया। जब इसका पूरा मायका खत्म हो गया, पूरी दुनिया वाले इसके मायके को आतंकवादी के थू थू कर रहे थे ना, तब इसे मैंने सहारा दिया पुत्र। और देख, इसने मेरे घर की बुनियाद में सेम लगा दी, मेरे घर की नींव को हिला के रख दिया पुत्र। अब मैं क्या करूं? तू ही बता पुत्र, मैं क्या करूं? मैं तो बस पुत्र इसकी भोली भाली सूरत देखकर ना धोखा खा गई। मैंने सोचा ये अभागन है, सर पे माँ बाप का साया नहीं है बेचारी के, बस तरस खा कर ना मैंने इसकी शादी अपने पुत्र वीर से कर दी। अब मुझे क्या पता था पुत्र कि ये दोनों भाइयों को फंसा रही है कमीनी, दोनों भाइयों पर डोरे डाल रही है। वो तो आज तेरे मुंह से सुनकर पता चला मुझे चेरी पुत्र। हाँ, वरना तू ही सोच, अगर मैं अपने जीते वास्ते तेरे जैसी बड़े घर की बेटी को अपनी बहू बनाकर ला सकती हूँ, तो क्या अपने बड़े पुत्र वीर वास्ते बड़े खानदान की लड़की नहीं ला सकती? हाँ, सोनी को अगर बड़े घर की बहू बनने का लालच होता तो बात समझ में भी आती, अपने सगे देवर पर डोरे डाले। छी 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 छी, इतनी नीच निकली है ये सोनी। कोई औरत इस हद तक गिर सकती है मम्मी जी? मुझे समझ में नहीं आता। तुझे कैसे समझ आएगा पुत्र, जब मुझ जैसी समझदार औरत को इस जादूगरनी के पैतरे समझ में नहीं आते। तू और मैं तो सीधी सादी शरीफ औरतें हैं पुत्र, किसे पता था जो घर लक्कड़ वाले की अभागी लड़की को शरण दे रहे वही इस घर की नींव को खोखला कर देगी। हाँ, सच पुत्र, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि सोनी ने ऐसा क्यों किया, पर ऐसी कमीनी औरतों की ना अपने बेटों पर तो परछाई भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा पुत्र। मेरे रब्बा, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मम्मी जी, मैं अभी जाकर सबको इस औरत की असलियत बता देती हूं। बहुत हो गया,